तो ओंकार सिंह लखावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लखावत को धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही बता दें, राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। वसुंधरा सरकार में भी धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं ओंकार सिंह लखावत, और ये तीसरी बार धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं ओंकार सिंह लखावत। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी ओंकार सिंह लखावत को मिली है। आपको बता दें कि वसुंधरा सरकार में भी धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके बाद अब एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। निश्चित रूप से उनका काम बेहद सराहनीय रहा होगा। उसके बाद अब एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से। धरोहर के नाते बहुत संभावनाएं हैं। चप्पे चप्पे के ऊपर हमारा प्रेरणा पूंजी, हमारे प्रेरणादायक के स्थल है। हम जो है सरकार के साथ बैठकर सरकार जैसा तय करेगी, हम ये जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र को इसमें वंचित नहीं रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी लाल सिंह, देखिए वसुंधरा सरकार में भी इनके पास ये जिम्मेदारी थी, और अब एक बार फिर से इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, इस चीज को कितना अहम माना जाए? देखिए, हमेशा ये पहली नियुक्ति है जो राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है ओंकार सिंह लखावत को, और ये उनको तीसरी बार जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वसुंधरा सरकार ने दो बार उनको यही जिम्मेदारी दी हुई थी। खास बात ये कि जब उन्होंने इस पद पर काम किया मनीषा, तो कई ऐसे महापुरुष राजस्थान में जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनकी छाप युवा पीढ़ी पर है, एक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका रही है, उनको ये बाहर निकाल कर लाए। बाहर निकालने से मेरे तात्पर्य है कि वो किस तरह पब्लिक के सामने आए। तो कई पैनोरमा उन्होंने बनाई, मीराबाई का पैनोरमा हो, तमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पैनोरमा बनाया, ऐसे तमाम महापुरुषों के पैनोरमा इन्होंने पूरे राजस्थान की कई चीजों पर संभावनाओं बनाए। और क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास है वो ऐसे गौरवशाली पन्ने को समेटे हुए, या आपको कदम कदम पर गौरवशाली गाथाएं मिल जाएंगी, कदम कदम पर आपको महापुरुषों संत पीरों की आपको कथाएं मिल जाएंगी, जीवन मार्ग में गहरी छाप रखती है। तो उन्होंने जो तीन कार्यकालों के दौरान जो काम किया, उससे पहले दो और तीसरा उनका है, तो सरकार को पूरी उम्मीद होती है कि राजस्थान इस तरह धीरे धीरे पर्यटन का हब बनता जा रहा है, और कैसे राजस्थान में सिरमौर बनाया जाए। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की जो जयपुर यात्रा हुई है, उससे संकेत मिला है कि कैसे राजस्थान को और पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो पर्यटन के पतन पर जो हमारे स्थल है उनका तो विकास करना ही है, लेकिन कैसे, जैसे कि मैंने अभी मनीषा मुखर्जी कहा था, कई ऐसे संत महात्मा पीर महापुरुष इस धरा पर हुए जो जनमानस में घेरी छाप रखते हैं, लेकिन उनके प्रति ना तो कोई साहित्य उपलब्ध है, ना उनको जानने कोई रास्ता। तो पैनोरमा एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है, लोग आते हैं तो ना केवल उससे उस महापुरुष के बारे में, उन तमाम महान लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही जब अन्य राज्यों से लोग आते हैं तो वो वहाँ देखने जाते हैं, तो उसे पर्यटन को भी उछाल मिलता है। तो एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा, एक और हमारी संस्कृति का संरक्षण, हमारे तमाम महापुरुषों की जीवन गाथाओं को इस तरह आगे लाना, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, इस दिशा में ओंकार सिंह लखावत का अनुभव रहा है, उन्होंने काम किया है। लिहाजा एक बार फिर बजेंद्रनाथ सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ऐसे तमाम प्रयोग पर्यटन के लिहाज से राजस्थान की धरोहर को आगे लाने के लिहाज से किए जाएंगे। जी मनीषा जी, बिल्कुल लाल सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, ओंकार सिंह लखावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वसुंधरा सरकार में दो बार धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर वो रह चुके हैं, अब एक बार फिर से उन्हें अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है।